सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिले। नमस्कार, आप इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया। बलिया जिले में एक माह पूर्व रेस मैच ढंग से गायब बिहार निवासी किशोर अंशु कुमार का अब तक पता नहीं चल पाना पुलिस के लिए अबूझ पहली बना हुआ है। इससे परिवार के सदस्यों में निराशा करने लगी है। वहीं इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि अंशु को जमीन खा गई अथवा आसमान निगल गया। इसके चलते उनके रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। वैसे परिजन अंशु की तलाशी के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अंशु के परिजन ने अपर पुलिस अधीक्षक विजय पाल सिंह से मुलाकात कर मामले की त्वरित कार्रवाई करने की और अंशु की खोजबीन कराने की गुजारिश की थी, जिस पर एसपी ने मामले को त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इन परिजनों की समस्या सुन लीजिए। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिकंदरपुर रहने वाले हैं। गांव कहाँ पड़ेगा आपका? नहरा। थाना? थाना सिकंदरपुर। जिला? जिला बलिया। आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आपके साथ है? मेरा मौसेरा भाई मेरे यहाँ रह के पढ़ता था और वो जनवरी 9 जनवरी को ही लापता हो गया है और 13 तारीख को FIR भी दर्ज कराया गया है और अभी तक उसके बारे में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। मौसेरा भाई जी, वो कहाँ कराने वाला था? गोपालगंज पर। गोपालगंज कराने वाला था। क्या उसकी उम्र थी? उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास थी। नाम क्या था? नाम अंशु, या अंशु उर्फ शिव कुमार राय था और उसके पिताजी की 2012 में ही डेथ हो गई थी, मतलब हत्या कर दी गई थी। आप ये बतावें कि आपको किसी पे शंका? शंका मठ पे बहुत आना जाना था उसका और एक डूहा बिहारा में अद्वैत शिव शक्ति धाम डूहा बिहारा है तो वहीं के लोग संबंधित थे और वो अंतिम बार वहीं देखा गया था, लेकिन कैंपस से बाहर निकलते हुए हम लोग उसको नहीं देख पाए। ये बतावें, जो ये घटना घटी है आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी, पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं। पुलिस मौके पर आई थी? पुलिस मौके पर आई थी लेकिन अभी कोई सूचना नहीं मिल पा रहा है और यहाँ इसीलिए हम लोग एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय से भी हम लोग पत्र लिख के और सूचित किए हैं। क्या इस मैटर में मुकदमा कहीं आपने दर्ज कराया है? मुकदमा दर्ज हुआ है? सिकंदरपुर थाने पे हम लोग गए थे। हाँ, मुकदमा दर्ज है इस मैटर में? हाँ, मुकदमा दर्ज। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं 363 लगा हुआ है। इसमें पुलिस की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? पुलिस की भूमिका अभी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया। मठ के लोगों को बार बार बताया जा रहा है लेकिन अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। अभी आप बोल रहे हैं कि आप एसपी ऑफिस गए थे जी, किन से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई करने का। किन से आप मिले? एडिशनल एसपी साहब से। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने हम लोग उनको पूरी घटना के बारे में बताए हैं तो फिर उन्होंने एसएचओ सिकंदरपुर से बात किया है और कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। गांव का नाम क्या पड़ेगा? गांव का नाम मेरा गोपालगंज, बिहार। बिहार के रहने वाली हैं आप? ईपी बलिया में आई हुई हैं? मेरी मौसी के घर है सिकंदरपुर। अच्छा, क्या आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मेरा भाई 9 तारीख से लापता, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपका भाई कहाँ रहता था? सिकंदरपुर में रहता था। सिकंदरपुर में बनहरा है, बनहरा में रहता था। सिकंदरपुर में बनहरा गाँव है जी सर। थाना? सिकंदरपुर। जिला? बलिया। आपके भाई का नाम क्या था? शिव कुमार राय उर्फ अंशु राय। कई वर्ष का था? 15 साल का। ये कब गायब हुआ? 9 तारीख ही गायब हुआ है। 9 तारीख 9 तारीख मतलब 9 जनवरी 2019। अच्छा, कैसे गायब हुआ? पर उस दिन हम घर जा रहे थे 9 तारीख को, तो घर जा रहे थे तो उसी रास्ते से जाते इधर उसका कोचिंग है तो कोचिंग के लिए निकला था और कोचिंग में उधर साइकिल वगैरह कहीं कुछ नहीं देखे तो हम लोग बोला कि कहाँ है, तो फिर हम लोग जहाँ जहाँ उसके कोचिंग था दो जगह सिकंदरपुर में वहाँ चेक किए तो कोचिंग तक कुछ पता नहीं चला उस दिन। तो उसके बाद मठ पर पूछे तो वहाँ एक आश्रम है तो वहाँ आश्रम को पता चला कि उसका दोस्त पिंटू के साथ रहता था, पहले उसी के साथ पढ़ता है पिंटू के साथ, वो दूहा भेरा मठ पर चला गया था। तो हम लोग घर चेक किए तो घर पर भी नहीं था, उसके बाद हम लोग दूहा भेरा मठ पर गए तो वहाँ मठ पर हम लोग को पता चला कि अंशु वहीं पर है। हम लोग उससे बातचीत किए मठ के जो भी हैं बाबा लोग, तो उन लोगों से पता चला कि हाँ यहाँ अंशु रहता था। तो वहाँ एक बाबा है मोनू बाबा और शिवम बाबा, इन लोगों का दावा ये लोग मांगे थे, दावा लेके गया था। तो उसे हम लोग बताए कि बाबा इन लोगों को मत बुलाए, ऐसे कंडीशन बताया अपना सिचुएशन, मेरी फादर की हत्या हुई थी 2012 में तो सिचुएशन बताया जिसे सुरक्षा के दृष्टि से रखा गया, आप लोग नहीं बुलाइए। तो वो लोग फिर उसे बात ये नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, श्रद्धा भक्त है तो हम लोग कहें नहीं बुला सकते हैं, कोई अपना मन से आना जाना चाहे तो आएगा ही। और वो लोग कॉल से उसे बात भी करते थे फ़ोन करके,
किया, या कोई भी फंक्शन उसके उनके यहाँ होता था मठ पर, इसको जरूर इन्वाइट करते थे, बुलाते कॉल करके या पिंटू आके भी जैसे किसी भी माध्यम से उसको लेके जाता था। तो उस दिन वो ऐसे हम लोग बात करते लगे, तो जो मेन कंपाउंड है उसके अंदर भी है ग्राउंड टाइप का है कुछ, तो उसी में था जहाँ गाय वाय खाती है, वहाँ हम लोग मिले उससे बात किए, तो वही लोग उसको हम लोग समझाए कि नहीं मत बुलाइए ऐसे ऐसे करके। तब तक दो लोग इसे हम लोग बोलने लगे, कहे नहीं बुला सकते हैं, क्या दिक्कत है, श्रद्धा भक्ति लगा तो वही सकता है, अपना मन से जाएगा। तो हम बोले कि नहीं बुलाइए। और उसके बाद वो निकला, ठीक 10 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से निकले, तो उसे बाहर जाते हुए हम लोग नहीं देखे निकले। तो उसके बाद हम लोग लगातार खोजबीन कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं क्या। आपने इसकी प्राथमिकी कहीं शिकायत आपने दर्ज कराई है? सिकंदरपुर थाना में हमने अभी तक उसको कराए थे। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ मुकदमा दर्ज हो गया। वहाँ पर यीशु ने क्या कहा है? यीशु बार बार कर रहे हैं कि आप लोग अपने दृष्टि से देखिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पता चले आप हमको बताइए, हम वहाँ चलते हैं। आज आप बलिया एसपी ऑफिस में आई हुई है, क्या दिक्कत, क्या आप किससे मिली? हम एडिशनल साहब से मिले थे। एडिशनल साहब ने क्या कहा? एडिशनल साहब वही एसएचओ को भी आदेश दिए कि उसको कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आपको किसी प्रसंग का किसी पसंद है? वही मठ पर एक उसका पिंटू नाम का एक लड़का, पिंटू गुप्ता, तो पिंटू गुप्ता ही जो उसके साथ पढ़ता था वही लड़का है। और मोती बाबा, शिवम बाबा, नरेंद्र बाबा और मोनू बाबा, उस दिन शिवम बाबा और मोनू बाबा कहीं दावा लेके गया था। आपने इन लोगों के खिलाफ तहरीर दिया है थाने में? हम लोग उसने दिए हैं। इसमें आप पुलिस की भूमिका को किस रूप में देखती हैं? पुलिस काम कर रही है बट उतना अच्छा से काम नहीं कर रही है। मतलब आप क्या चाहती हैं? पुलिस हम लोग चाहते हैं कि मेरा भाई मिल जाए कैसे भी करके। ज्ञात हो कि गोपालगंज बिहार थाना भोरे के मिसरौली गांव निवासी अजय कुमार राय की जमीनी विवाद के चलते 2012 में हत्या हो गई थी। पिता की हत्या कुछ दिनों बाद सुरक्षा की दृष्टि से शिव कुमार उर्फ अंशु को उसकी मां मनोरम देवी ने अपने पिता के घर स्थानीय थाना चितबा नहरा गांव में रहने के लिए भेज दिया था। यहाँ वह नगर के एक विद्यालय में 12वीं का छात्र था जो रोजाना कोचिंग पढ़ने आता था। पिछले 9 जनवरी को अभी अंशु कोचिंग पढ़ने आया था, उसके बाद वह कहाँ चला गया अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है।